हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माय चैनल आमना इशार। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है, हम ग्रीन चिली को सेव करने का, स्टोर करने का तरीका आपको बताएंगे। तो मैंने ग्रीन चिली सेव करनी थी तो मैंने सोचा मैं आपसे ये तरीका जो है लाजमी शेयर करूं। तो हमने इस तरह से ग्रीन चिली ले ली है, मैंने इनको अच्छे से जो है देखें वॉश किया हुआ है। बहुत इजी तरीका है, आज मैं आपको टू मेथड बताऊंगी, आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी ग्रीन चिली को सेव करने के। पहला तरीका तो ये है कि हमने इस तरह से ग्रीन चिली ले ली, अच्छे से हमने इन्हें वॉश किया। वॉश करने के बाद इन्हें आपने चेक कर लेना है वॉश करने के बाद कि इनमें से कोई मिर्च हमारी ख़राब तो नहीं है। अगर कोई मिर्च ख़राब हुई तो आपने वो स्टोर नहीं करनी क्योंकि वो बाकी मिर्चों को भी ख़राब कर देगी। जिस तरह की ये देखें, ये इसकी ब्लैक डंडी है, ये ख़राब होना शुरू हो रही है, हमें इसमें ऐड नहीं करना, इससे हमारी बाकी मिर्चें जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो बाकी सारी मिर्चें मैंने अच्छे से चेक कर ली हैं, बिल्कुल ठीक हैं। इधर हमारे पास है टिश्यू पेपर, आप टॉवल पेपर भी ले सकते हैं, किचन टॉवल भी ले सकते हैं। तो एक मैंने इस तरह से ये ले लिया है टिश्यू पेपर, इसको आप फुल खोलना चाहें तो फुल खोल लें, अगर इसको आपने हाफ़ कवर करना है तो हाफ कवर कर लें। आपने इस तरह से मिर्चों को रखते जाना है, इस तरह से सारी मिर्चों को आप रखते जाएं। बिल्कुल साफ़ मिर्चें हैं, सारी मिर्चें मैंने चेक की हुई हैं, इनमें कोई भी ख़राब मिर्च नहीं है। तो ये हमारी मिर्चें सारी जो हैं आ गई हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें इधर से भी फोल्ड कर देना है और इधर से भी फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इसको ऐसे ऊपर को फोल्ड कर देना है और इधर से हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये देखें, इस तरह हमने अपनी मिर्चें जो हैं एक टॉवल पेपर के अंदर कवर कर दी हैं। उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो फ्रीज़र में रखने के बाद हमारी मिर्चें कुछ इस शेप में आ जाएंगी। ये देखें, आपको आवाज़ जो आ रही होगी, इसका साउंड जो है कितना हार्ड है, इसका साउंड जो है सख्त है, मतलब कि मिर्चें बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। अब जब भी आपने हंडिया बनानी है तो आप इन मिर्चों को निकालें फ़ौरन से और इन्हें बारीक कट कर लें, चॉप कर लें, पीस लें, ग्राइंड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ मिर्चें स्टोर करने का सेकेंड मेथड। तो हमने क्या करना है, तो व्यूअर्स, हमारा सेकंड मेथड ये है। सेकंड हमारा जो मेथड है कि हमने इस तरह से कुछ मिर्चें ले ली हैं, ये इन मिर्चों को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे अलग से एक प्लेट में। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। और साथ हमने ले लिया है एक ब्लेंडर जार, इनको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने मिर्चों को इस तरह से कट कर लिया है तमाम मिर्चों को। कुछ मिर्चें मेरे पास फ्रीज हुई पड़ी थी वो वाली, और कुछ ताज़ी मिर्चें हैं इसमें। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस वक्त आपने मिर्चों को कट करना है आप अच्छे से चेक कीजिएगा कोई कोई मिर्च जो है उसमें ख़राब ना हो, क्योंकि जो ख़राब मिर्च होगी वो बाकी मिर्चों को भी ख़राब कर देगी। तो अब हमने एक जार लिया है, हम तमाम मिर्चों को इस जार में डाल देते हैं। ये देखिए, हमने तमाम मिर्चों को एक जार में डाल दिया। जार में डालने के बाद हम तकरीबन एक या दो घूंट या दो से तीन चम्मच जो है वो पानी इसमें ऐड कर दें। दो से तीन चम्मच हमने पानी ऐड कर दिया और इसको हम अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ग्राइंड कर ली हैं मिर्चें अच्छे से। ग्राइंड करने के बाद हमारी मिर्चें जो हैं कुछ इस तरह की शेप में आ गई हैं। ये कितनी प्यारी सी हमारी मिर्चें जो है ग्राइंड हो गई हैं। अब हमने करना क्या है, हम इसी बाउल के अंदर, जार के अंदर हमने हाफ टी स्पून जो है वो नमक ऐड कर देना है और एक चम्मच मैंने
ऑयल लिया है, ये हम ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हमने करना क्या है, हमने एक प्लेट लेनी है, इस तरह से। तो हमने प्लेट के अंदर एक एक जो है चम्मच इस तरह से रखते जाना है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें इसी तरह से अपनी मिर्चों को फ्रीज करके उठा लेना है। ये इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने तमाम टिक्कियाँ क्यूब्स बना लेनी हैं, जो हमें बाद में फ्रीज करके अलग कर लेनी है। ये हो गया। अब हम इन्हें फ्रीज होने के लिए रख देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये जो पानी वगैरह है इसका कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ मिर्चें हमारी चाहिए। मैं इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रीज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरीका तो व्यूअर्स ये है कि आप किसी प्लेट में रख सकते हैं, सर्विंग प्लेट में ही रख लें बेशक। और दूसरा मेथड ये है आप मिर्चों को फ्रीज करने का, आप एक एक चम्मच लें, इस तरह बाउल्स में डाल दें। उससे ज़्यादा मुझे ये तरीका जो है बेस्ट है लगता है, क्योंकि इसमें जो है वो बाहर भी नहीं गिरती मिर्चें, पानी वगैरह भी मिर्चों का ज़ाया नहीं होता। मगर मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी कि आपने किस तरह से रखना है। सब क्यूब्स के अंदर आप इस तरह से मिर्चें जो हैं वो डाल दें, जो बच गई हैं इसमें डाल देते हैं हम, थोड़ी सी ज़ाया तो नहीं करनी। तो चलिए अब हम इसे कर देते हैं फ्रीज़। तो व्यूअर्स मैंने ये देखें सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखी हैं, मगर आप लोगों को सारा दिन रखनी है, एक दिन दो दिन जितना मर्ज़ी आप रखें, 10 मिनट में भी इतने अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं। ये देखें किस तरह से, ये देखें 10 मिनट में भी अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं हमारी हरी मिर्चें। इस तरह आप जब भी चाहें एक पीस निकालें और हंडिया में डाल लें, या फिर आप रायता चटनी जो भी बनाते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और दूसरे नंबर पे हमारे ये क्यूब्स थे, ये भी आई थिंक के हो चुके हैं, ये देखें रेडी हैं, ये भी हम निकाल के आपको दिखाते हैं। एक प्लेट लेते हैं हम, प्लेट में ये क्यूब्स जो हैं सारे निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा है ये तरीका, टाइम इसमें कम लगता है और काफ़ी टाइम के लिए चीज़ जो है वो हमारी बन जाती है। तो ये देखें हमारे क्यूब्स कितने अच्छे से रेडी हुए हैं, ये देखें। आपको इसकी साउंड आ रही होगी, इसकी साउंड बिल्कुल सख्त है जैसे स्टोन होता है। और ये भी बहुत अच्छे से रेडी हुई हैं। हमने अब करना क्या है, अब हमने इस तरह से एक टिफ़िन लेना है, कोई भी सब, या बॉक्स ले लें। ये देखिए हम अपने जो फ्रीज़ की हुई मिर्चों की क्यूब्स हैं इस तरह से डाल देते हैं। तो ये था व्यूअर्स हमारा सेकंड मेथड। और जब भी हमें ज़रूरत आएगी रायता बनाने की, चटनी बनाने की, या सालन में डालने की, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ़ौरन से हम फ्रिज में जाएँगे, एक क्यूब निकालेंगे और हम हंडिया में डाल देंगे, तो हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा और हमें बहुत इजीली हमारी मिर्चें जो हैं फ्रीज की हुई मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आज की रेसिपी में मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं, एक मेथड मैंने आप पहले अलग से दिया हुआ है, मेरे चैनल पे देख लीजिएगा आप मिर्चों को स्टोर करने का तरीका। तो व्यूअर्स ये था हमारा सेकेंड मेथड, जो मैंने आपको दो तरीके से समझाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई ताज़ी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आपने इस टिफ़न के ऊपर इसको कवर करना है एक लिड की मदद से, और कवर करके फ्रीज़र में छोड़ देना है। आप 2 से 3 महीने तक ये मिर्चें जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, कोई भी इसमें ख़राबी पैदा नहीं होगी।
इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगी। थोड़ा सा ऑयल और नमक जो है ज़रूर इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये भी एक ट्रिक है बहुत इजी के इससे मिर्चें बिल्कुल 2-3 महीने ख़राब नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज़।